हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये आज की ही तारीख में 25 जून 2022 के ही डेट में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। और ये एग्ज़ामिनेशन डेट से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता ही है कि NTNET एग्ज़ामिनेशन के लिए जो फॉर्म है वो फिलअप किया जा चुका है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो दो साइकिल का एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर 2021 और जून 2022 का ये मर्ज साइकिल होगा। तो यहाँ पे ये डेट को जारी किया गया है कि कौन कौन सी डेट में एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8, 9, 11, 12 जुलाई और 12, 13, 14 अगस्त, यानी कि ये इतने दिन का शेड्यूल है। 8 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक का शेड्यूल होगा एग्ज़ामिनेशन का। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो अपनी पढ़ाई जो है अब रिवीजन करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। मुश्किल से हार्डली 10 डेज ही रह गए हैं हार्डली। और ये भी चीज़ बताया गया है कि कौन से डेट शीट जो होगा, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन से डे में और कौन से शिफ्ट में होगा, इसको जल्दी ही अपडेट किया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, साइकोलॉजी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर अवेलेबल हो जाए और आपसे कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो बाकी आपको एडवाइस किया जा रहा है कि रेगुलरली आप NTA की साइट पर www.nta.ac.in इस पर आप चेक करते रहिए, विज़िट करते रहिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। और इसके साथ ही बताया गया है कि एडमिट कार्ड को भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। तो बेसिकली यही अपडेट है आज की। तो इतना आपको आइडिया लग गया है। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में होगा, लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो बेसिकली साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देखा जाता है, हम दो साइकिल को देख रहे हैं, 2020 और 21, दो साल के एग्ज़ामिनेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबल 9 जुलाई के आसपास में ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और सेकेंड डे पर ही साइकोलॉजी का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब तो तैयारी का टाइम ख़त्म हो गया है, अब रिवीज़न आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे उसे पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।